मध्य प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। चक्रवाती तूफान दाना ने प्रदेश के कई जिलों में बादलों का असर दिखाया है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस तूफान की वजह से खास तौर पर राजधानी भोपाल में मौसम में बदलाव आया है। भोपाल में शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दिन तेज धूप के बावजूद शाम होते ही ठंडक का एहसास बढ़ गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार दीपावली से पहले ही गुलाबी ठंड ने प्रदेश के कई हिस्सों में अपने पैर पसार लिए हैं, जो कि पिछले वर्षों के मुकाबले एक अलग तस्वीर पेश करता है। गुलाबी ठंड का अनुभव इस समय मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हो रहा है। आम तौर पर दीपावली के बाद ही इस मौसम का असर देखने को मिलता था, लेकिन इस बार ये पहले से ही महसूस किया जा रहा है। सुबह के समय मैदानी इलाकों में हल्की धुंध भी देखी जा रही है, जिससे ठंड का अनुभव और बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कई जिलों में दिन और रात के तापमान में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। इस बदलाव की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट की संभावना है। खास तौर परगुना और खजुराहो में दिन का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो एक महत्वपूर्ण संकेत है। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस और टीकमगढ़ में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात का न्यूनतम तापमान राजगढ़ में 16 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ये तापमान गिरावट आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, जिससे लोग ठंड का अनुभव करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में दिन और रात के तापमान में और अधिक अंतर देखा जा सकता है। इस मौसम के चलते मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सर्दियों का एहसास जल्दी ही होने लगेगा। इसके साथ ही लोग गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर होंगे, क्योंकि ठंड बढ़ने की संभावना है। गुलाबी ठंड के साथ साथ बदलते मौसम का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें और आवश्यक सावधानियां बरतें। इस प्रकार मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड का आगमन और चक्रवाती तूफान दाना का असर मौसम को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तापमान में निरंतर उतार चढ़ाव के चलते लोग ठंड का अनुभव कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट की संभावना है, जिससे सर्दियों का एहसास जल्दी ही हो सकता है। इसलिए सभी को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस मौसम के अनुसार तैयारी करें।